एवरीवन, दिस इज योर ट्रेनर नाज़ खान। मुझे आप लोगों से पहले कंफर्मेशन चाहिए होगी कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है। काइंडली कोई एक स्टूडेंट या चैट बॉक्स में बता दे या माइक में बता दे कि मेरी आवाज़ क्लियर है। काइंडली कोई भी स्टूडेंट जिसको मेरी आवाज़ आ रही है वो मेरे चैट बॉक्स में लिख दे या माइक में। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जैद साहब ने बता दिया। ओके, ठीक है, बाकी सब ने बता दिया। थैंक यू एवरीवन जिसने ये बताया। अच्छा, आज की क्लास में एक आप चीज़ सीखेंगे, ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ सीखेंगे, और दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट होगी, ठीक है। अनाउंसमेंट पे हम थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं बताऊँगा क्या है वो चीज़, क्या हम करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम ज़रा आप लोगों से रिव्यू चाहता हूँ, ठीक है, कि आप लोग मुझे बताएं कि अभी तक आप लोगों ने कुछ सीखा है इस कोर्स से या अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है इस कोर्स से। मुझे सिर्फ ये बता दें आप लोग, अगर कुछ सीखा है तो मैं समझता हूँ मेरी जीत है, अगर कुछ नहीं सीखा तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कुछ ना करने के लिए हम कुछ अमल दरामद करेंगे। जरा कोई भी स्टूडेंट माइक ओपन करके बता दे कि उसने अभी तक क्या सीखा, क्या उसको समझ में आ रहा है SEO, क्या मेरा स्टाइल ठीक है। अगर मेरे स्टाइल में कोई मसला है तो वो बता दे, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो बता दे। अच्छा, खानजादा साहब कहते हैं बहुत कुछ सीखा। अच्छा खानजादा साहब, आप क्या माइक ओपन करके बता सकते हैं कि स्टाइल ऑफ टीचिंग अच्छा है या बुरा है, क्या चीज़ आप समझ रहे हैं, और जैसा आपको बेटर लगे आप बता सकते हैं तो माइक ओपन करके। ये आज की क्लास आप लोगों के नाम होगी, पूरी क्लास ही आप लोग लीड करेंगे। बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। जी सर, सर अच्छा खान साहब, आपने सीखा क्या क्या है ये बता सकते हैं आप? आपने जो भी पढ़ा है वो जो है ना मैंने सीख लिया है कि सबसे पहले सीओ क्या होती है, सर्च क्वेरी क्या होती है, कीवर्ड क्या होते हैं, गूगल जो है ना सर्च कंसोल, वेब मास्टर, बिंग वाला वो क्या होता है, वर्डप्रेस का वो सेटअप किस तरह करना है, तो वो सारा जो है ना मैंने सीखा है आपसे। अच्छा, और आप इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जी आप इस चीज को चाहते हैं और सीखें आप इस चीज में, SEO में आपको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आपका? हाँ बिल्कुल, मैंने जो है ना वेबसाइट भी बना दी है वर्डप्रेस की, तो अभी जो है ना काम उस पे जारी है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट जो कि बताना चाहे कि हमसे क्या सीखा उसने, कोई स्टूडेंट है ऐसा बताना चाहे? फिर मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट है तो कभी माइक खोल के बता सकता है, अपना एक्सपीरियंस जैसे शेयर करे। अगर किसी को कुछ कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, ठीक है, तो वो भी बता सकता है कि भाई स्टाइल ऑफ टीचिंग पसंद नहीं, वो भी बता सकता है, ठीक है। अच्छा, आपको पहले अनाउंसमेंट का बता दूंगा मैं। जी, मेरा ख्याल है किसी ने माइक ओपन किया था, चले। अच्छा, अनाउंसमेंट ये है कि जब हमने ये कोर्स शुरू किया था, ठीक है, तो बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ा लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, अब बहुत ही थोड़े से लोग रह गए। हमने बेसिकली दो बैच बनाए थे इस क्लास के, एक ग्रुप 1 था और एक ग्रुप 2 था। ग्रुप 1 में हमने तकरीबन 30 स्टूडेंट पाए थे और ग्रुप 2 में 25 स्टूडेंट थे हमारे। लेकिन जब क्लास में बात आती है ऑनलाइन क्लास लेने की, तो बहुत ही कम लोग आते हैं, ये हमने बात नोट की, और हमने कहा हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है कि हम दो दो जगह पढ़ रहे हैं। तो अनाउंसमेंट ये है कि अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने प्राइवेट मैसेज करना है मुझे, ठीक है, और आप एक ग्रुप का, एक हमारा जो अपना ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ उन लोगों का एडमिशन होगा जो क्लास ले रहे थे हमारे साथ, उनका नहीं होगा जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लोग लाइव लेक्चर में आते हैं, जिनका मुझे पता है कि मैं सबके नाम देख, ये सबको पता है कौन लाइव लेक्चर में आता है कौन नहीं आता, ठीक है। तो मैं सिर्फ उसको उसी वक्त डालूंगा जब मुझे पता होगा कि इसको कंटिन्यू करनी है SEO ज्वाइनिंग, ठीक है। तो अब ये जो दो ग्रुप्स हैं जो बने हुए हैं, इन पे मैसेज नहीं है कि क्लास के, अब वो जो नया ग्रुप मैं बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा ग्रुप, और उसी में सारे मैसेज आएंगे, और यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग अब अपलोड नहीं होगी, यूट्यूब पे प्राइवेट भी अपलोड होगी, मतलब वो आपको नजर नहीं आएगी यूट्यूब पे, जिसको साथ हम लिंक शेयर करेंगे। हम बेसिकली अपने प्राइवेट ग्रुप में वो लिंक शेयर करेंगे, और जो भी प्राइवेट ग्रुप में होगा वो बेसिकली हमारा वीडियो देख सकेगा। ये तो हो गया अनाउंसमेंट। अब ये क्यों करना पड़ा, इसकी वजह ये थी कि नॉन सीरियस हमने एटीट्यूड देखा लोगों का, हमने देखा लोग क्लास नहीं ले रहे हैं, हमने ये देखा कि
लोग बिल्कुल ही सीरियस नहीं ले रहे हैं, मतलब लोग समझ रहे हैं कि बहुत ही आसान चीज है एसईओ, एसईओ को इज्जत ही नहीं दी। जब एसईओ को इज्जत नहीं दोगे तो फिर आपका क्या होने वाला है, तो एसईओ आपको इज्जत नहीं देगा, ठीक है, आपके साइड रैंक नहीं करेगा जब तक आप उसको इज्जत से देगी और समझोगे इस चीज को, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब आप लोगों ने बताया, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जिसने भी सीखा है वो सबके लिए ये है कि ये ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप बेसिकली आप ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आप नहीं ज्वाइन करते तो फिर आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी, ठीक है, आपकी लर्निंग में मसला आएगा, ठीक है। तो आप सबसे ही मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रुप ज्वाइन करें, ये लास्ट रिकॉर्डिंग होगी जो अपलोड होगी यूट्यूब चैनल पे हमारे, इसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो कोई भी बंदा सुन रहा है हमारी बात, वो ये समझ ले कि उसको ग्रुप में ज्वाइन करना है, ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है वो प्राइवेट मैसेज करें मुझे, मैं उसको लिंक दूंगा और लिंक उसी सूरत में दूंगा जब मुझे पता होगा कि इसने क्लास कंटिन्यू करनी है। अगर वो यूट्यूब से समझ रहेगा, वो सीख लेगा, तो हम उसको नहीं देंगे। इस पे कोई सवाल किसी का? सर, जो प्राइवेट मैसेज करना है वो व्हाट्सएप पे करना है या फिर जूम में करना है? नहीं, आपने प्राइवेट मैसेज मुझे आपने व्हाट्सएप पे करना है, ठीक है। व्हाट्सएप का सब सबके पास व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, तो आप अभी व्हाट्सएप, करें कि नहीं बाद नहीं में अभी करें? नहीं, अभी नहीं, मतलब जब आपको टाइम मिले, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले आप कर दें, ठीक है। अच्छा, आप क्लासेस का भी हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं मॉड्यूल। आपके हफ्ते में दो क्लास होती थी, लेकिन हमने देखा कि बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं लर्न करना चाहते हैं लेकिन वो सीख ही नहीं पाते क्योंकि दो क्लासेस हैं। उनके लिए हमने हल निकाला है कि हम हफ्ते में चार क्लास रखेंगे, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे, ठीक है। ये 4 दिन क्लास होगी, मंडे ट्यूजडे 9 बजे क्लास होगी और वेनेसडे थर्सडे 10 बजे क्लास होगी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लें, ठीक है, और यही आखिरी रिकॉर्डिंग है, याद रखिएगा, अपलोड होने वाली। इसके अलावा कोई रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगी, प्राइवेटली आप उसको असेस कर पाएंगे लेकिन वैसे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी। अब ये हो सर, गया। एक जी सजेशन देना चाह रहा था जी 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 बोले। सर। ये तो आपने अच्छा माशाल्लाह किया कि क्लास को 4 दिन पे कर दिया। एक और रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली असाइनमेंट भी दें, ताकि हम आप लोग आपको भी पता चले कौन सीरियस है और हमें भी पता चले चले कि हम भी सीरियस हैं एसईओ के साथ के नहीं। असाइनमेंट होगी तो हमें, और वो स्ट्रिक्टली काम हो, यानी कि जी ये करना है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो आप नहीं ले सकेंगे, इस तरह हम सीरियस भी हो जाएंगे। जी, आपके बिल्कुल सजेशन ठीक है। और दरअसल मैं जहाँ काम करता हूँ तो मेरा एक वो था, मेरा पास एक वो था प्लान था कि मैं जो काम करता हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी वेबसाइट के हैं 3,000 पेजेस और मैं अकेला एसईओ का बंदा हूँ वहाँ पर, तो मैंने यही सोचा कि मैं आप लोगों से भी थोड़ी हेल्प लूंगा, ठीक है, आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा कि भाई समझा दिया और फिर उस साइट पर ट्रेनिंग करवाई आपकी, ठीक है। तो इस तरह मैं सोच रहा था कि असाइनमेंट दूंगा लेकिन ये थोड़ा आगे जाके होगा, मतलब 1-2 हफ्ते बाद आपको असाइनमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिकल लर्निंग आपकी होगी, ठीक है। और यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सजेशन, अगर किसी को बात बुरी लगी है तो वो बता दे। मलिक साहब, आपका माइक खुला हुआ है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दें। और किसी का को कोई यहाँ तक सवाल, कोई सजेशन अगर किसी को देना हो तो यहाँ पे वो दे सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी क्लास पे, ठीक है। आज हम क्या सीखेंगे, आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बताता हूँ, ठीक है। मैं एक बड़ी जबरदस्त चीज दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, आप लोग एसईओ किस हिसाब से सीखेंगे वो बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाएं, ये पहला असाइनमेंट मैं दे देता हूँ आप लोग, आप लोग जाएं अपने क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। यहाँ पे क्लिक मारें और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मोर टूल्स का, यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एक्सटेंशन, ठीक है। ये आपने बहुत यूज करना है तो आप ये समझ लें कि ये यूज करना होगा, जिसको आता होगा आता होगा बहुत जरूरी, ठीक है। आप ये करें, एक्सटेंशन क्लिक मारें, फिर आपने करना क्या है, इन 3 डॉट्स पर क्लिक मारना है और आपने ओपन क्रोम वेब स्टोर पे चले जाना है, ठीक है। अब बताता हूँ आपने करना क्या है, आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है, मैं दिखाता हूँ, उसका नाम है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ बड़ी जबरदस्त, अर्बन वीपीएन, ठीक है। ये आपका पहला जो नंबर पे आ रहा है ना, ये आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, दबाएं बटन और यहाँ पे लिखा है कि ऐड टू क्रोम, ये दबा दें, बस खत्म बात। मैंने डिलीट करके इंस्टॉल किया ताकि लोगों को समझ में आए, किसी को ना आता हो तो वो इस तरह कर सकता है। यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि भाई ऐड एक्सटेंशन करनी है या नहीं, ठीक है, तो आप इस पे ऐड एक्सटेंशन क्लिक मारते हैं। अब करना है क्या, इसके साथ मैं बताता हूँ आपको,
किसी का कोई सवाल हो तो वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है, सजेशन हो तब भी वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। अच्छा अब यहाँ पे आप लोग सीखेंगे क्या वो भी मैं बता दूंगा आपको, जो 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 आखिरी क्लास है क्योंकि लाइव, तो इसलिए मैं सबको बताना चाहूँ कि आप क्या सीखना चाहते। अच्छा ये पिन कर दिएगा, याद रखिएगा, अगर पिन नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ये पिन कर दीजिएगा ताकि यहाँ पे आ जाए, और उसके बाद इसको आपने ओपन करना है और आपने एग्री कर देना है और आपने यूएस की प्रॉक्सी लगा देनी है। सही है, पहले आपने ये काम करना है। अब आपने यहाँ जाना है और लिखना है indeed.com, बस ये लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना आपको। आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्च करें पहला चीज, ठीक है? आपको मैं किस हिसाब से सिखाऊंगा वो बताता हूँ आपको। आपने यहाँ पे लिखना है SEO एक्सपर्ट, ठीक है? देखते हैं SEO एक्सपर्ट के कितने जॉब है मार्केट में, और यूनाइटेड, पूरे यूनाइटेड स्टेट में, लेट से हम एक स्टेट पकड़ लेते हैं, हम न्यूयॉर्क से पकड़ लेते हैं, न्यू न्यूयॉर्क, ठीक है, हम ये पकड़ लेते हैं। अब देखते हैं न्यूयॉर्क में कितनी जॉब्स हैं SEO, ये देखें न्यूयॉर्क में 418 जॉब्स हैं SEO की, ठीक है? अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारे काम, ये देखें कॉपी राइटर एक्सपर्ट एंड SEO एक्सपर्ट, ठीक है? ये डिस्क्रिप्शन है उसकी कुछ, ये पार्ट टाइम जॉब है, ये फुल टाइम नहीं है। एसईओ मैनेजर ये भी रिमोट है, मैं इधर एक चीज, यहाँ से हम लोकेशन खत्म करते हैं, यूएस डाल देते हैं ताकि हमें ज्यादा जॉब नजर आए। अभी मैं आपको चीज दिखाता हूँ, यूनाइटेड स्टेट डाल देते हैं, लेट्स से फाइंड जॉब पे क्लिक मारते हैं, ठीक है। अब आपने ये देखें एसईओ कंसल्टेंट 55,000 डॉलर ईयर दे रहा है एसईओ कंसल्टेंट के, ठीक है? ये जो चीजें लिखी हुई है ना इसके अंदर, ये जो चीजें लिखी हुई है, मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा, ये जो क्वालिफिकेशन, ये जो फुल जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। SEO के एक्सपर्ट से मांगा क्या जाता है वो सारी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है? इनके हिसाब से कि जो बाहर लोग हायरिंग कर रहे हैं उनके हिसाब से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक और भी चीज दिखाता हूँ, ये देखें 55,000 डॉलर ईयर मांग रहे हैं, ये देखें 40,000 to 60,000 डॉलर मांग रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, सॉरी मांग नहीं रहा, दे रहे हैं। और ये देखें 50 है ये तो रिमोट जॉब है, ये देखें 66 to 70,000 डॉलर ईयर जो बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है? एस याद रखिएगा, अमेरिका में ना सबसे हाईएस्ट पेइंग जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर है, और उसके बाद जो प्रोफेशन आता है ना जो उसमें सबसे ज्यादा अर्निंग है, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है, वो आता है एसयू एक्सपर्ट का, ठीक है? इसने चैट भेजी है, सर ये तो बात अच्छी साइट है, ये तो बहुत अच्छी साइट है। अच्छा किस साइट की बात कर रहे हैं आप, इंडीड की बात कर रहे हैं तो? अच्छा ठीक है, आई होप के मलिक साहब सुन रहे हो मेरे, अगर आप इंडीड की बात कर रहे हैं, हाँ ये अच्छी साइट है, तो कोई ऐसी गलत बात नहीं है। अच्छा ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये 70,000 डॉलर, हाँ Indeed.com के मलिक साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी साइट है, और ये जॉब्स तो लेनी, इसको तो सवाल ना उठता, लेंगे कैसे आप लोग यहाँ बैठ के? लेकिन आप लोग ये कर सकते हैं कि इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करें, ठीक है? इसके हिसाब से आपने आपको प्रिपेयर करना है। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये प्रॉक्सी हम ऑफ कर देते हैं, 1 मिनट के लिए हम ऑफ कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं Indeed.com पे, तो ये हमें .pk पे ले जाएगा मेरा ख्याल, ठीक है, .pk पे ले। अब जरा पाकिस्तान के हालात देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात है, क्या आ गया Indeed.pk। अच्छा अभी हम इसको, इस पाकिस्तान के हालात देखें, और यहाँ से कंफ्यूज ना हो जाएगा आप लोग, मैं लिखता हूँ SEO एक्सपर्ट, ठीक है? मैं एक चीज दिखाता हूँ आप, इस्लामाबाद में देखते हैं कितनी जॉब्स हैं, तो मैं इस्लामाबाद का ही हूँ तो मैं इस्लामाबाद में ढूंढूंगा, आप कहीं भी जाके ढूंढ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन ये देखें SEO और वर्डप्रेस ये दिया हुआ है, ठीक है, 35 से 70 हज़ार दे रहे हैं, ठीक है? और ये आपके एक्सपीरियंस पे होता है, अगर आप जाएंगे ना एक्सपीरियंस लेके तो ये आपको 80 हज़ार भी देंगे, ठीक है? बस सिर्फ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको बातें की समझ होनी चाहिए, ठीक है? ये देखें 60,000 डॉलर, 60,000 सॉरी रुपए
ये लोग दे रहे हैं, जो कि अच्छी प्राइस है पाकिस्तान की बेरोजगारी को देख के। अच्छा ये देखिएगा, ये जो अगर आप खोलते हैं इसको, ये खुल गया, अच्छा ठीक है। अब ये फुल जॉब डिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है ना इसके अंदर, ये सब इन्होंने कॉपी पेस्ट किया होता है, इन्हें ना कुछ समझ है, इन लोगों ने बस लगाया, नेट से उठाया और छाप दिया। ये इसमें ये भी लिखा होगा कि रोटी पकाने वाला भी चाहिए इनको, सालन गर्म करने वाला भी चाहिए, ठीक है, इस तरह की चीजें भी लिखी होंगी इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें इनको सारे डिस्क्रिप्शन में ये चीजें लिखी होती हैं इनकी, ठीक है। तो इनसे आप कंफ्यूज ना हो जाएगा, आपने इसके हिसाब से प्रिपेयर नहीं होना, आपने यूएस के हिसाब से प्रिपेयर होना है, ठीक है, कि यूएस में किस तरह एक बंदा अपने आपको जॉब ले सकता है, ठीक है, वो सारी चीजें आपने रखनी है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो एक और नेक्स्ट चीज है, वो है फ्लिपकार्ट। कितने स्टूडेंट को इस साइट का पता है फ्लिपकार्ट का? कोई स्टूडेंट बताएगा जिसको पता है, या जिसको नहीं पता वो भी बता दे। अच्छा मैं बता देता हूँ ये फ्लिपकार्ट क्या है। यहाँ पे साइट बिकती हैं, यहाँ पे जो है वो साइट्स बिकती हैं, याद रखिएगा। आप एक अच्छी सी वेबसाइट बना लें, उस पर अच्छा सा ट्रैफिक ले आए, उससे अच्छा सा रेवेन्यू ले आए, फिर वो साइट यहाँ पे आके बिकती है, ठीक है। कंफ्यूज ना होइएगा, ये है पता है वेबसाइट सेल कर सकते हैं, ठीक है, मलिक साहब को पता है साइट पे क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पे वेबसाइट बिकती है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा, इस कोर्स में आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे, ठीक है, अच्छा, इस कोर्स में आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे, मेरी बात याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग जो है एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है, आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते। आज 10 क्लाइंट हैं, कल एक भी नहीं होगा, ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है फ्रीलांसिंग की, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये प्रॉब्लम ये सारे लोगों के साथ है, ठीक है, ये, और इसको करना कैसे है आप? अब ये तो आपने बता दिया कि भाई ये वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, इस पे बिकती है, साइट कौन सी बनेगी? देखें सबसे बेस्ट जो वेबसाइट बिकती है ना इधर, वो बिकती है अफिलियट की वेबसाइट, ठीक है। एक अफिलियट की वेबसाइट अगर 1-2 हज़ार से 3 हज़ार डॉलर बना देती है ना, अगर एक वेबसाइट, तो वो भी बड़े अच्छे दाम पे बिकती है यहाँ पे, याद रखिएगा। सिर्फ 3 हज़ार डॉलर बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर एक वेबसाइट 3 हज़ार डॉलर बनाती है, आपको पूरी एसईओ सिखाई जाएगी, ठीक है, और एसईओ सिखाने के बाद मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये देखें जरा, $442 अ मंथ वो कमा रहा है, ठीक है, उस वेबसाइट से, और बेच रहा है $8,000 की, ठीक है। अब खुद लगा लें आप, $442 वाला जो इतना मुश्किल नहीं है काम, वो $8,000 मांग रहा है। अभी जरा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ये $8,000 होते कितने, अभी देख लेते हैं, तकरीबन 16.5 लाख रुपए। 16.5 लाख, बिल्कुल, अभी देख लेते हैं, वैसे ठीक बोला है, मेरा ख्याल है 8,000, देख लेते हैं कितना होता है, 17 लाख, ये देख रहे हैं, 17 लाख रुपए की वेबसाइट आप बेच सकते हैं, सिर्फ आपने $442 अ मंथ आपने बनाना है उस वेबसाइट से, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, और उसकी बिड भी लग चुकी है, देखें एक बिड भी कर दी है किसी बंदे ने, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सही है, ये बहुत ही आसान काम है, तो ये अच्छा चीज सही है, है, यहाँ पे जो इसकी साइट है शो कर रही है ये मैटर नहीं करती। सॉरी मैं आपका सवाल समझा नहीं, आप फिर से रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जो कोई भी वेबसाइट है उसकी जो एज है वो मैटर नहीं करती यहाँ पे कि ये जी कितनी पुरानी है। अच्छी बात है, ये देखें साइट एज मैटर करती है, ठीक है, साइट एज मैटर करती है, क्योंकि वो एसईओ के परस्पेक्टिव अच्छी होती है, ठीक है। अब ये देखें, ये 6 साल की वेबसाइट है, सही है, साइट एज है, और इसके मांग कितने रहा है, $1,035,000, 1 लाख, सॉरी, $35,000। इसको जरा कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा दिमाग खोलते हैं, आज दिमाग खोलने का दिन है, आज हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम दिमाग खोलेंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में, और हम क्या कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। 1-2 हज़ार, 10 हज़ार, 10 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ 90 लाख रुपए, सही है, सिर्फ 6 साल की वेबसाइट आपने होल्ड कर ली, और 6 साल में भी अगर आप 2 करोड़ रुपए बना रहे हो, 2 करोड़ 90 लाख, मतलब 3 करोड़, तो इट्स नॉट बैड यार, इट्स नॉट बैड, ठीक है। तो ये सब हो रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, अफिलियट की पूरी वेबसाइट कैसे बनती है वो सिखाया जाएगा, उसकी एसईओ कैसे होती है वो भी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है, इस कोर्स के अंदर, ठीक है। आई होप कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, तो कोई पूछ सकता है, फ्लिपा के बारे में कोई सवाल हो तब भी पूछ सकता है, कोई भी सवाल हो तो वो कभी भी माइक ओपन करके पूछ सकता है,
और यहाँ देखिएगा सिर्फ ये नहीं कि साइट देखें, 1 साल साइट पुरानी दे रहा है $25,000 की, देख रहे हैं आप। जरूरी नहीं है सही। कि यहाँ साइट, पे जी, फ्री वेबसाइट्स जो हम जिस तरह उस दिन बना रहे थे, फ्री वेबसाइट आपने बताई थी जिस तरह बनाने का तरीका, तो वो भी यहाँ पे सेल हो जाएंगी कि यहाँ के जो नहीं, कि वो डोमेन परचेज करेंगे? नहीं, वो नहीं बिकेंगे यहाँ पर, वो नहीं बिकेंगे। तो साइड के इतने मसले होते हैं कि अगर आप बेचने भी चले गए, खरीदने वाले को पता होगा कि क्या खरीद क्या आप खरीदा होगा। तो आपने एक डोमेन लेनी है अच्छी सी, और आपने एक होस्टिंग लेनी है। बस ये ले लें, ये देखें 1 साल पुरानी साइट के $25,000 मांग रहा है, पागल थोड़ी है ना, ये पागल है ना, लोग जो उसको देंगे पैसे वो पागल है, ठीक है। तो ये चल चीजें आप ध्यान में रखें कि ये काम हो रहा है मार्केट के अंदर, $25,000 मांग रहा है ये वेबसाइट के, अच्छे खासे बनते हैं 1 साल की वेबसाइट के, 1 साल इसने लगाया वेबसाइट पे, $25,000 मांग रहा है, इट्स नॉट बैड यार। और आप कितनी साइट बना सकते हो 1 साल के अंदर? आपने किसने कहा आप 1 साइट बनाओ, आप 3 4 साइट बना लो 1 साल में, हर हफ्ते एक एक आर्टिकल पब्लिश करो उस पर। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें फ्लिपा पे आप बेच सकते हैं अपनी वेबसाइट। कौन सी वेबसाइट सबसे अच्छी बिकती है? वो अफिलियट की बिकती है, याद रखिएगा। अफिलियट की जो वेबसाइट्स हैं वो फिर भी बेटर बिकती हैं। अलाउड टू डिस्टर्ब, अनेबल टू हेयर अ वर्ड। अच्छा, और किसी को कोई मसला आ रहा है आवाज में? आवाज क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जिनको कोई समझ नहीं आ रहा मेरी बात का, कोई है जो कंफर्म करते कि उसको आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है अच्छा मुझे तो। ठीक, अच्छा ठीक है। तो जो स्टूडेंट है उनके अपनी तरफ से मसला होगा, तो वो आप काइंडली अपने एंड चेक कर लें। अच्छा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आपको ग्रुप को बता दिया कि ग्रुप बनने वाला है। अच्छा, आप सही है, आवाज ठीक है। ग्रुप का बता दिया आपको मैंने, आपको फ्लिपा का बता दिया कि फ्लिपा पर साइट बिकती है। हम आपको सिखाएंगे कि बनानी कैसे है वेबसाइट, ठीक है, 0 से लेकर 100 तक सिखाएंगे। अभी आप छोड़ दें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है, हम आपको वर्ड लेके दिखाऊंगा मैं आपको, एक साइट तो लेना कैसे और साइट पे आपने काम किस तरह करना है, सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन आपने थोड़ा सा मतलब इसमें पेशेंस का काम लेना है, ठीक है। एकदम मैं नहीं सिखा सकता ना, एकदम आप सीख सकते हैं, ठीक है। आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ही सिखाया जाएगा। अच्छा, आप बताएं कि आप किसी को, स्टूडेंट को 4 क्लास लेने में मसला है, अगर कोई बता दे, अगर किसी के लिए ज्यादा पढ़ रहा है तो वो भी बता दे, अगर 4 क्लासेस, अगर वो 5 ज्यादा साहब ने रेज हैंड किया हुआ है, उन्होंने शायद नीचे भी कर दिया, अगर कोई है जिसको 4 क्लासों का मसला है तो वो भी बता दे, ताकि हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें इसी क्लास के अंदर। अच्छा, नो सर इट्स ओके, ठीक है, खान साहब, खान ज़ादा साहब कह रहे हैं ओके और कोई भी, अच्छा नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मलिक साहब भी कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, ओनली वर्डप्रेस साइट और एनिमल साइट सीखने को मिलेगी। देखें जो अदर साइट्स है ना, वो तो आप छोड़ दें, वो होती है कोडिंग से, कस्टम CMS से, वो अगर आप सीखने बैठ गए तो उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी, जो BS की डिग्री होती है, ठीक है। तो अभी आप वर्डप्रेस पे रहें, ठीक है। अब कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वहां की वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, तो उसमें कुछ भी नहीं होता हमारा काम। हम कहते हैं भाई ये चीजें हैं ये कर दो, डेवलपर को दे देते हैं, और डेवलपर की सरदर्दी है, ठीक है, डेवलपर की सरदर्दी है कि वो जो है कि किस तरह उसको वो करता है, ठीक है, वो डेवलपर की सरदर्दी है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ डेवलपर को बता देते हो कि भाई ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ये टाइटल लिखना है, ये मेटा कीवर्ड्स लिखने हैं, आप ये बता देते हो। जैसे हम कभी भी, हम अब जैसे मैं काम करता हूँ, तो मैं कभी भी कोई काम करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता देता हूँ डेवलपर को, बोलता हूँ भाई ये काम कर दे, वो कर देता है। अब वो उसकी सरदर्दी है, वो कैसे करता है। और अगर आपको मैं ये बिठा सिखाने बैठ गया कि वर्डप्रेस के अलावा साइट किस तरह बनती है, तो हम बहुत ही लंबी जर्नी हो जाएगी, और उस पे फिर वो, सही बात है, मुझे भी नहीं आता, क्योंकि मैंने भी BS नहीं पढ़ा, तो कोडिंग से साइट तो मुझे भी नहीं आती, मैं भी डील नहीं करता। लेकिन अच्छा, एक सवाल है सर, हम फाइवर पे स्टार्ट करें रिक्वेस्ट भेजना SEO की गिग बना के? देखें अभी ना करें, अभी अगर आपको ऑर्डर खुदा ना खास्ता मिल गया तो उसको पूरा कैसे करेंगे, ठीक है। तो फाइवर की अभी आप छोड़ दें, अभी ना स्टार्ट करें, अभी देखें, अभी वो, अभी हमें टाइम कितना हुआ है, अगर अभी से हम फाइवर पर बैठ गए तो बड़ा मसला हो जाएगा, सबके लिए बड़ा मसला होगा, ठीक है। तो अगर ऑर्डर हो रहा, मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे आधा मैसेज किया, उन्होंने बताया कि हमें फाइवर का, अच्छा
इन्होंने एक हैंड रेस किया है वकास साहब ने। वकास साहब अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल रहे, आपको फुल इजाजत है, आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं, आप खुद बोल सकते हैं माइक ओपन करके। अच्छा मैं सवाल पढ़ देता हूँ। उन्होंने लिखा है सर आप फाइवर पे स्टार्ट करें रिक्वेस्ट भेजना एसईओ की बना के, ये सवाल है मलिक साहब का। अब देखिए मलिक साहब हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने यूट्यूब की वीडियो देखी फाइवर पे कि कैसे बनाते हैं, उन्होंने यूट्यूब की वीडियो देख के बना दी फाइवर की। अब गिग बन गई तो उन्होंने ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर आ गया फिर वो मेरे पास आए, कहते हैं सर जी मुझे ये साइट ढूंढ के दें, इसमें मुझे गेस्ट पोस्टिंग करानी है, कैसे कराऊँ। ठीक है तो वो इसमें फंस गए, हालांकि वो गेस्ट पोस्टिंग कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, ठीक है उसमें ही वो फंस गए। मैंने उनको बताया है के, और फिर मैंने उनको बोला कि अभी आपको नहीं लेने की जरूरत थी, अभी आपने क्यों लिया। अच्छा आवाज नहीं आ रही प्लीज टेल मी। अच्छा बाकी सबको तो आवाज आ रही है ना मेरी, किसी को मसला तो नहीं हो रहा आवाज में, कोई भी स्टूडेंट बता दे किसी को मसला तो नहीं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं। आवाज सही है ठीक है, सेटिंग बताओ ठीक है आवाज, अच्छा आवाज तो ठीक हो गई, चलें ठीक है। अच्छा और साउंड इज ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच जो जो इन लोगों ने मैसेज किया उन सब के लिए। जी जी ठीक है बस ठीक हो गया। अच्छा जो जो स्टूडेंट को मसला हो रहा है वो अपने एंड चेक करें। अच्छा ये आखिरी रिकॉर्डिंग होगी याद रखिएगा जो अपलोड होगी यूट्यूब पे, तो ये जो भी स्टूडेंट अभी भी आया है वो भी बता दूँ उसको, बाकी स्टूडेंट को मिल जाएगी लेकिन हमारे पर्सनल ग्रुप पे मिलेगी उसे, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप होगा उस पर मिलेंगी ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं अपनी बाकी चीज़ों की, अब हम बाकी चीज़ों की बात कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा आज, हमने आज देखा फ्लिपा को देखा, हमने देखा एसईओ के बारे में, हमने देखा कि एसईओ की जॉब्स कौन कौन सी हैं ठीक है। अच्छा अब जो कल अगले लेक्चर में आपको मैं सिखाऊंगा वो मैं सिखाऊंगा। अच्छा आज की क्लास इतनी वो खास नहीं है ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ आज की क्लास जो है वो सिर्फ मैंने एक अनाउंसमेंट करनी थी। स्टार्ट ऑडियो पर क्लिक करें, अच्छा बॉटम लेफ्ट पे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मेरा ख्याल है नजर नहीं आ रहा अभी का, आवाज नहीं आ रही, वो अभी भी मुझे कह रहे हैं कि ऑडियो पर क्लिक करने शायद आवाज आ जाए। अच्छा ठीक है ये हो गया। अच्छा अब मैं कल आपको क्या सिखाने वाला हूँ, कल की क्लास में आपको क्या सिखाने वाला हूँ, तो आज की क्लास में मैंने कुछ भी नहीं सिखाया आप लोगों, तो कल आज की क्लास लेके डीमोटिवेट ना हो जाएगा ठीक है। बल्कि कल की क्लास हम रहने देते हैं, हम मंडे से शुरू करते हैं, मंडे से चार क्लासेस का आपका आगाज शुरू होता है ठीक है, कल भी हम ऐसे ही रहेंगे ठीक है। और आपको सिखाऊंगा मैं क्या कल जो नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको सिखाऊंगा लोकल एसईओ। लोकल एसईओ होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता लोकल एसईओ, बस ये होता है मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको अगर आप लोग गौर से देखें, रॉकेट एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ये लिखता हूँ, ये देखें ये साइड में बना आ रहा है रॉकेट एसईओ डेटा मार्केट, हमारा इंस्टीट्यूट है ठीक है। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको, एड्रेस दिया हुआ है ओपन 27 आवर्स ठीक है इस तरह। और एक और भी हमारे एक इंटर्नी थे हमारे ऑफिस में, उनका हमने बिजनेस लिस्ट कराया था, ये देखिएगा उदय फर्नीचर स्टोर, अगर मैं सिर्फ ये लिखूँ उदय फर्नीचर स्टोर ये देखिएगा उसका उनका बिजनेस आएगा, ये हमने ऐसी मस्ती मस्ती में हमने बिजनेस लिस्ट कर दिया। अगर आप लिखेंगे उदय फर्नीचर स्टोर तो आपको ये स्टोर दिखेगा, ये कोई असली स्टोर नहीं है सर, दैट्स अमेजिंग, मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। अच्छा लोकल एसईओ की बात कर, किसकी बात कर रहे हैं आप वकास साहब, आप बता सकें अगर किसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। अच्छा ये देखें ये हमने बेसिकली क्या किया था, हमने उनका बिजनेस जो है हमारे इंटर्नी का उनका बिजनेस हमने लिस्ट किया था, उनका नाम उदय था तो हमने यहीं पे बिजनेस लिस्ट कर दिया था उनका, और आज इनका बिजनेस जो है गूगल पे नजर आ रहा है। अगर किसी ने कंप्लेन कर दी तो बिजनेस हट जाएगा, लेकिन जब तक कोई कंप्लेन नहीं करता ये बिजनेस ऐसे ही नजर आएगा ठीक है। अच्छा रिव्यू ना डालिएगा प्लीज, वो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा, लोकल एसईओ मैथ हेडिंग। अच्छा ठीक है आपको लोग वकास साहब आपको लोकल एसईओ मैथ हेडिंग सीखना है वो सिखा दूंगा, अच्छा कोई मसला बात नहीं है। ये देखें हमने किया हुआ है, हमने अब वेबसाइट पे किया हुआ है ठीक है, तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे ठीक है। ये करना कैसा है, इस पे रिव्यू किस तरह डालने हैं, देख रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जिनको भी आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है वो यही प्रॉब्लम होगा कि उन्होंने ज्वाइन ऑडियो नहीं किया होगा तो इस वजह से उनको आवाज नहीं आ रही, तो बाकी रिकॉर्डिंग ये मिल जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इशू होना चाहिए।
अच्छा ये हमने बिजनेस दिखा दिया, ये आप सीखेंगे अगली क्लास में कि लोकल एसईओ होता क्या, क्या करते कैसे हैं, ये आप सीखेंगे। ठीक, इसका पहले बड़ा एक मुश्किल तरीका होता था कि आप पहले गूगल जो है आपको वो देता था, आपके एड्रेस पे पिन भेजता था, वो कभी आती थी कभी नहीं आती, ज्यादातर नहीं आती थी पाकिस्तान में, तो गूगल ने खत्म कर दिया। गूगल ने कहा बेटा मोबाइल से वेरीफाई कर लो, तो अब ये बड़ा आराम से हो जाता है, बहुत ही आसान चीज है, मैं सिखाऊंगा सबको। अच्छा वकास साहब ने हाई इंटरेस्ट किया, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो। अच्छा यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। और साइट ये पोस्टर, जो जी 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 लोकल एसईओ, ये वो गूगल माई बिजनेस वाली चीज ही है ना? जी वही है, गूगल मैप, इसको लोकल एसईओ कहते हैं। ठीक जी ठीक हो गया सर। है, मैं तो सब क्लास ज्वाइन किया। अच्छा देखिए, मैं किसी को भी पिन पॉइंट नहीं कह रहा कि भाई उसकी गलती की वजह से हम ये कर रहे हैं, ग्रुप वाली हरकत, ये हम कर रहे हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट नजर आया। बाकी बहुत से स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल सही क्लास ले रहे हैं, ठीक है, इसमें एक हमारे इंडियन के भाई भी हैं जो अब बिल्कुल सारी क्लास ली है उन्होंने, ठीक है, मतलब कभी उनको मैंने नहीं देखा कभी क्लास मिस करते हुए। तो लेकिन हम उनके लिए भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि भाई उनको भी एक प्राइवेट ग्रुप में डाल दिया जाएगा और प्राइवेट ग्रुप में प्राइवेट रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन उन लोगों को नहीं रखा जाएगा जिन लोगों ने क्लास नहीं ली, ये बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अगर आप फिर भी मैसेज करते हैं कि हम आगे से नहीं छोड़ेंगे क्लास और इस तरह के मैसेज करेंगे, तब हम शायद आपको रख लें, लेकिन वैसे मुश्किल है कि हम आपको इस क्लास में, अब प्राइवेट ग्रुप में हम अपॉइंट करें। ठीक है, यहाँ तक क्लास खत्म होती है, अगर किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से कर ले। किसी ने माइक ऑन किया हुआ है, कोई अगर सवाल है तो पूछ ले। सर अभी 10 मिनट हैं मीटिंग खत्म होने में, थोड़ा दिमाग और खोल दें। अच्छा दिमाग, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, जी सर, सर जी, मैंने आज ही क्लास ज्वाइन की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रॉपर क्लास ज्वाइन करूँगा। अच्छा ठीक है, ठीक हाँ हो जी, गया, पहले को वॉइस का इशू आ रहा था, अब ठीक हो गया है। ठीक है, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही थी, ये क्लास यानी कि मेसी हो गई है। अब किस तरह इस क्लास को मैं कर सकता हूँ ज्वाइन, दोबारा देख सकता हूँ? अच्छा देखें ये क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे, सही है, तो आप यूट्यूब चैनल से देख लीजिएगा, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट ठीक है, को प्रॉब्लम मेहरबानी नहीं आ सर। रही वो थी। अच्छा, जी इसका लिंक सेंड कर दें फिर, ग्रुप में ज्वाइन क्लास का लिंक सेंड कर दें। क्लास का मैं दे दूंगा, ठीक है, जैसे अपलोड हो गया आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मेहरबानी, ठीक है, ओके, मेहरबानी सर, मेहरबानी, ओके, मतलब क्या क्या सीखने ओके। को मिलेगा। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग और खोल देंगे, ठीक है, हम खोल देते हैं दिमाग, ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा मैंने आपको दिखाया अगर यहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है, फ्लिपा दिखाया आपको। अच्छा यहाँ पे एक साहब पूछ रहे हैं क्या क्या सीखने को मिलेगा, मैं जल्दी से बता दूँ, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट रह गए, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे, हम एसईओ सीखेंगे, हम सीखेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट, और हम सीखेंगे गूगल एड्स, गूगल एड्स भी हम डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, गूगल एड्स भी सीखेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, गूगल एड्स शायद हम पेड कोर्स में भी डालें, हमें पता नहीं कि हम डालेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि हम गूगल एड्स भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। फाइवर, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग ये सिखाएंगे आपको, लिंक्डइन सिखाएंगे, ठीक है, अपवर्क सिखाएंगे, ठीक है, ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे। दिन में बारिश की वजह से बहुत ज्यादा नेट इश्यू थे, इसलिए क्लास मिस हो गई। अच्छा ठीक है, जिसकी क्लास मिस हो गई, देखें आज का क्लास का सीन नहीं है, तो आज की क्लास आप आराम से यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन अच्छा, ठीक है, या मैसेंजर, इंटरनेट, अच्छा ठीक है। अच्छा एक स्टूडेंट को फिर मसला हुआ है इंटरनेट कनेक्शन का, मुझे नहीं समझ में आता ये नेट वालों को क्या मुसीबत है कि वो लोग हमें क्लास भी नहीं देने दे रहे। अच्छा ये ग्रुप क्या हमने हरकत किसी स्टूडेंट ये ना समझे कि उसकी वजह से हुआ है, हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि अच्छे जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो इंटरेस्टेड इन टू स्टूडेंट हैं वही रहे, ठीक है, जो नहीं है वो अभी से छोड़ के चले, ज्यादा क्या हमें को मसला ना हो। तो आपको प्राइवेट में मैसेज करें
या ग्रुप में प्राइवेट ग्रुप के लिए, देखें आपको प्राइवेट मैसेज, प्राइवेट ग्रुप का लिंक चाहिए तो आपको प्राइवेट में ही मैसेज करना पड़ेगा, ग्रुप में हम शेयर नहीं करेंगे। और किसी भी स्टूडेंट को हम नहीं डालेंगे जब तक हमें पता ना हो कि वो स्टूडेंट वो सीखने में इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है, ताकि हमें पता लग जाए स्टूडेंट की तादाद कितनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बस 2 मिनट रह गए, बस यहीं तक हम रखते हैं इस क्लास को, बाकी क्लास को हम आगे पूछेंगे, आगे सुने, आगे इसका देखेंगे, ठीक है। आगे क्लास में लोकल एसक्यूएल मुझे सिखाना है आप लोगों को, ठीक है। और किसी को भी कोई भी सवाल हो तो वो ग्रुप में पूछ सकता है। एक और किसी का मैसेज आया, मैं लास्ट में से देख लेता हूँ वापस। उफ, डिस्टॉर्शन, अच्छा ठीक है, किसी को डिस्टॉर्शन आ रही है तो कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लें, और रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, भले हमने कुछ सीखा नहीं लेकिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर ली, ठीक है। तो काइंडली सब लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और जल्दी देख लीजिएगा, ताकि हम ग्रुप वाले हम चीन करें तो आप लोगों की क्लास में। अच्छा, नेक्स्ट कल की क्लास नहीं होगी, हम मंडे से 4 क्लास का आगाज करेंगे, तो सब रेडी रहेगा मंडे से इंशाल्लाह। अच्छा, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम होगा वो आधे घंटे आगे कर लें, मतलब अगर 9 बजे क्लास तो उनकी 9:30 बजे होगी, ठीक है, और जो 10 बजे क्लास होगी उनकी 10:30 बजे होगी, ये बस रख लें। और आई होप मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हूँ, अब किसी का क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पूछ सकता है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, ठीक है, मेहरबानी, ओके।